तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। जैसा कि आपको पता है ये आपकी ये है टेंथ का है मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ये इक्वेशन दे रखी है हमें y बराबर एम एक्स प्लस 3। तो इस तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप इसको है ना कौन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इक्वेशन वन में यहाँ लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y बराबर 11, हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी 1। और इक्वेशन टू क्या है हमारे पास 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इस तरीके से है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, आइए तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। जब यहाँ पर 2x बराबर 11 माइनस 3y हो जाएगा, मैं इसे इधर शिफ्ट करता हूँ तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर x को अगर मैं खाली छोड़ता हूँ तो 11 माइनस 3y अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में अगर मैं पुट करता हूँ इसको तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखूँगा 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, ये हो गया, फिर माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, इस तरीके से 2 से 2 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ आसानी से। देखो x और y की वैल्यू निकाल करके मुझे इसमें पुट करनी है बस, ये जो वैल्यू दे रखी है इधर इसमें पुट करनी है बस, क्या करना है इस वाली वैल्यू में पुट करनी है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ तो क्या बचा मेरे पास 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, है ना। अब देखो इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा और इन्हें माइनस माइनस प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा ये 4 × 3 = 7y हो जाएगा बराबर माइनस 24 और माइनस 11 करूँगा तो 7y माइनस का है बराबर, इसको मैं जोड़ूंगा तो देखो 4 और 1 = 5 हो गया, 2 और 1 = 3 हो गया, ठीक है 35 हो गया, माइनस का हुई माइनस से माइनस कैंसिल करूँगा, 7 से इसको डिवाइड करूँगा तो y बराबर मेरे पास क्या आ गया 7 × 5 = 35, तो y बराबर मेरे पास क्या हो गया 5। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पुट करता हूँ, पुटिंग y बराबर 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर अगर मैं पुट करता हूँ इसको तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ठीक है, इसको मैं अगर पुट करता हूँ किसमें y बराबर 5 को इसमें पुट करता हूँ तो क्या होगा मेरे पास 2x प्लस 3 × 5 बराबर 11, 2x प्लस 3 × 5 = 15 बराबर 11, है ना। अब देखो 2x को मैं यहाँ रखता हूँ तो बराबर 11 में से 15 जाएंगे, ठीक है 11 में से 15 जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, सिंपल सी बात है इधर मैं शिफ्ट करूँगा तो माइनस में आ जाएगा ना, और यहाँ पर देखो बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3 नहीं 4 यार क्या है क्या कर रहा हूँ मैं यार 4 आ जाएगा वो भी माइनस का। अब देखो यहाँ पर 2x है ये तो मैं इसको 2x को यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, मतलब 2x x को अगर खाली छोड़ूंगा तो माइनस 4 के नीचे आ जाएगा 2, डिवाइड करूँगा x बराबर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2। ठीक है, x बराबर माइनस 2 y बराबर 5 आ गया है तो हमारे पास क्या दे रखी है इक्वेशन, क्या दे रखी है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, क्या दे रखी है y इक्वल्स टू एम एक्स इक्वल क्या है प्लस 3, ठीक है प्लस 3 दे रखी है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं y की जगह पर रखता हूँ 5 बराबर m की जगह पर मैं कुछ नहीं रखूँगा क्योंकि है नहीं, मल्टीप्लाई यहाँ पर रखूँगा माइनस 2x की जगह पर प्लस 3, ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 5 बराबर 5 है ये देखो इधर शिफ्ट कर दूंगा इसको माइनस 3 हो जाएगा, वह इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा 3 को और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 2m, ठीक है ये हो जाएगा इज इक्वल टू ऐसे यहाँ सॉरी यार दोबारा करता हूँ इसको, देखो 5 ये हो गया माइनस 3 ये हो गया बराबर माइनस 2m ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा बराबर
माइनस टू एम, ठीक है, m को अगर खाली छोड़ूंगा तो 2/-2 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगी m की वैल्यू। क्या आ गई? m की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, ये भी सवाल पूरा हो गया है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।